डेली मार्केट एनालिसिस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्विक मार्केट आउटलुक की और हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग प्लान फॉर द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक दैट सेप्टेम्बर फिफ्टींथ 2023 हम कुछ स्टॉक्स को भी एनालाइज करने वाले हैं जिनमें काफी फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से अगर हम शुरुआत करें तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट हमें एट द हाइज एक इनसाइड बार सेटअप निफ्टी में देखने को मिल रहा है द रेंज ऑफ विच इज स्प्रेड अक्रॉस द लेवल ऑफ नाइनटीन टू द लेवल्स ऑफ ट्वेंटी अब आप यहाँ पर काफी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस इनसाइड बार के हाई का एट द लेवल ऑफ वन कोई भी डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है और वी कैन सिंपली से दैट हमें यहाँ पर कोई भी सस्टेन्ड ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है एंड निफ्टी हैज मार्जिनली क्लोज विद इन द रेंज ऑफ दिस इन साइड सेल्फ ऑल्सो ऑन द हायर साइड जैसे की हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था दैट वी हैव एन इमीडिएट हर्डल एट द दस ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड नाइनटी फाइव सो यू कैन क्लियरली सी दैट निफ्टी में अभी भी उस हर्डल को पार करना बाकी है Now at the highs, what we can simply expect is that जब तक हमें 20,110 के लेवल्स का कोई भी ब्रेकआउट देखने को वन नहीं मिलता टिल देन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साइडवेज कंसोलिडेशन विद इन द रेंज ऑफ नाइन टू द्वस ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड टेन विदिटिलिटी रिमेनिंग एलिवेटेड एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तो हम इस सपोर्ट लेवल को कंसिडर कर सकते हैं एट द लेवल थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन जिसके की ब्रेक डाउन पर हमें निफ्टी में एक डिप देखने को मिल सकता है एंड निफ्टी इस ब्रेक डाउन के चलते देर आफ्टीन थाउजेंड से सकता है अपसाइड की यहाँ बात करें तो जैसे कि हमने वीकली मार्केट एनालिसिसक्सिम अपसाइड लेवल फॉर निफ्टी एस ऑफ नाउ लुक एप एट द्स ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एटीन एज पर दाइनल हार्मोनिक पैटर्न एंड And I'll make sure to link or put up the weekly market analysis video in the i button or the description box down below. You can check that out as well. Moving forward with the hourly time frame of Nifty 50, you can clearly that the market never moves in a straight line. We can say that it either moves in zigzags, or depending upon the trend, we higher highs and higher lows, or लोअर हाइज एंड लोअर लोस देखने को मिलते हैं ना ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी दैट हमें निफ्टी में एक पुल बैक अपरचुनिटी देखने को मिल रही है द द द एट ऑफ जिसे हम निफ्टी में ऑन चार्ट एज अ ट्रेलिंग सपोर्ट भी कर सकते हैं अब अगर हम बात करें करंट लेवल्स की तो आप यहाँ पर काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट हमें इन कॉन्फ्लुएंस विद द ट्वेंटी ई एम में एक काफी अच्छा बाउंस या सपोर्ट एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है और इसके चलते हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट निफ्टी में हमें

उजेंड फोर्टी टू इन कॉन्फ्लुस विद द ट्वेंटी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेस्ट ऑन द डाउन साइड को मिल सकता है एट द लेवल थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी एट अप्रोक्सीटली और अगर हम निफ्टी में वीकनेस की बात करें तो जैसे की हमने डिस्कस किया था ऑन द डेली टाइम फ्रेम दैट हमे वीकनेस या फिर एक मेजर डिप निफ्टी में ओनली एंड ओनली बिलो द लेवल ऑफ नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन देखने को मिल सकती है शुरुआत करते हैं निफ्टी के सपोर्ट लेवल ऐसी जो की प्लेस्ड है एट द लेव ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी फॉलोड बाई नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी और अगर की बात करें तो हम एक जोन को कंसिडर करने वाले हैं एज रेजिस्टेंस जो की जोन रहेगा ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन से लेकर चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम जहां आप देख सकते हैं काफी क्लियरलीट विद्रेक आउट ऑफ दिस पिव द लेवल्स ऑफ फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी हमें बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है ऑन द हायर साइड एंड इन टूडेज ट्रेडिंग सेशन

कैंडलस्टिक के बेसिस पर चलिए हम यहाँ पर पॉसिबल केस सिनारियोज की बात करते हैं नंबर वन अगर हमें बैंक निफ्टी में फोर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फाइव के लेवल्स का कोई भी सस्टेन्ड ब्रेकआउट यहां देखने को मिलता है देन इसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी में फर्दर द अपसाइड मोमेंटम माइट रिज्यूम द माइ ट्रिज्यूम टू इज द हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन ऑफ द फाइनल पैटर्न राइट ओवर हियर बट डू रिमेम्बर दैट हमारे पास बैंक निफ्टी में फोर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फाइव का जो लेवल है वो एक काफी स्ट्रॉग एंड मेजर हर्डल की तरह काम कर रहा है एंड यू कैन ऑल्सो क्लियरली सी एट दिस पर्टिक्यूलर पॉइंट दैट आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी डिड ट्राई टू पियर

भी ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने को मिलता है देन इसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें बैंक निफ्टी में 46,150 से थाउजेंड 46,350 के लेवल्स का एक टेस्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है एंड हम यहाँ पर इसके चलते लॉन्ग साइड के अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट कर सकते हैं ऑन द फ्लिप साइड जैसे की हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था दैट हमारे पास फोर्टी का जो लेवल रहेगा का, एक काफी मेजर सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी में काम कर सकता है तो आप यहाँ पर काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में फ्रॉम उज एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ सपोर्ट देखने को मिले हैं एंड अगर हमें फर्दर इस सपोर्ट लेवल का कोई भी ब्रेक डाउन यहाँ पर देखने को मिलता है देन इन दैट केस हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से लेके फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव तक के लेवल्स का एक टेस्ट ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है एंड अगर हम यहाँ पर बात करें एक काफी मेजर सपोर्ट लेवल की तो वो लेवल रहेगा फोर्टी फाइव थाउजेंड ट्रिपल फाइव का जैसे की हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया है बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की

उटिकायर साइड एंड अगर स्टॉक कॉन्टिन्यू करता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं देख सकते हैं हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है अब यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग इफ द स्टॉक मैनेजेस टू क्रॉस ऑफ फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टीन देन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द हायर साइड फिफ्टी टू हंड्रेड नाइनटी टू तक के लेवल्स का एक टेस्ट यहाँ देखने को मिल सकता है विच इज हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल टू होल्ड अबबल्स ऑफ फोर्टी नाइन हंड्रेड एटी सेवन एंड इसके साथ ही साथ हमें फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टीन के लेवल्स का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है ट्रेजेक्ट्री इज स्टिल एक्टिव एंड हमें यहाँ पर फिफ्टी टू हंड्रेड नाइन्टी टू तक के लेवल का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है लास्ट वन फॉर द डेज टेक महिंद्रा ऑन द डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पर काफी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमें स्टॉक में एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था एट द लेवल ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी फाइव और अगर हम बात करें फॉर द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन तो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल का एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है एंड स्टॉक इज managing to hold above this particular level of 1255 for that matter. अब अगर हमें यहाँ पर कोई भी fresh breakout देखने को मिलता है above the levels of 1285, then in that case हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that हमें इस particular counter में एक continuation move on the higher side देखने को मिल सकता है Also Do let me know in the comment section down below that which pattern do you think the stock has broken out of and well लेट्स कॉल इट टूडे एंड आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑन दैट नोट इट्स साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन हैव अ गुड टाइम